स्कूल की सीनियर टीचर कमल। मेरी इस स्कूल से पुरानी दोस्ती है। जब ईस्ट सिटी स्कूल लॉन्च हुआ तो मैंने इस वक्त ईस्ट सिटी स्कूल को ज्वाइन किया और तदरीस के प्राइस सर अंजाम दिए। आज भी मेरी इस स्कूल से वाबस्तगी है और मुझे यहाँ टीचिंग करके बहुत खुशी महसूस होती है। आज मैं आपको हम के बारे में बताऊँगी। हम से मुराद अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना है और हमारी उर्दू की हर किताब की इब्तिदा हम से होती है। मुख्तलिफ शायर मुख्तलिफ अंदाज में हम की तारीफ को बयान करते हैं। हम में अल्लाह ताला की सिफात यानी खूबियों का जिक्र किया जाता है। मसलन अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक व मालिक है, यानी उसने पूरी दुनिया को पैदा किया है। वो रहीम है यानी रहम करने वाला है। वो करीम है यानी कर्म करने वाला है। इसके अलावा उसके हर काम में हिकमत होती है, यानी हर काम उसका सच्चाई वाला है। उसके हर काम में मसलहत होती है। वो हमारा हमराज है। हमारा कोई भी इरादा और ख्याल उससे पोशीदा नहीं। वो यहाँ है, वहाँ है, हर जगह मौजूद है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उसे सब कुछ खबर है। इसके अलावा वो माफ़ करने वाला है। बंदा चाहे कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से रुजू करे और उससे माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। वो हर चीज़ में छुपा हुआ भी है और हर चीज़ से उसका जलवा भी जाहिर होता है। वो वाहिद है, अकेला है, उस जैसा कोई नहीं है। हमें चाहिए कि उस अल्लाह ताला की इबादत करें। इसके अलावा हम में अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र भी होता है। जैसे हम कहते हैं अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, चाँद सूरज सितारे हवा मट्टी पानी ये सब उसी ने पैदा किए हैं। समंदर में जो मछलियाँ हैं और जो आदि मखलूक हैं सब उसी ने पैदा किए हैं। बागों में जो खूबसूरत फूल हैं सब उसी की देन है। इसके अलावा जो परिंदे हैं जिनकी आवाज़ें हमारे कानों को भली लगती हैं वो सब उसी ने बनाई हैं। खुद इंसान को उसने बहुत सारी नेमतें देकर नवाजा है। तो हमें क्या करना है, हमें इन नेमतों का शुक्र अदा करना है। और शुक्र अदा करने के लिए हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ें और ये दुआ मांगे कि वो हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, हमें गुनाहों से बचने की तलकीन अता फरमाए। अब बच्चों आप लोग अच्छी तरह हम का मतलब समझ गए होंगे। अब आप हम को खुद से अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। शुक्रिया।